संभल में कल्कि आश्रम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम कल्कि महोत्सव में फिल्मी गाने गाए जाने के मामले में हिंदू संगठनों और संत समाज से जुड़े लोगों के निशाने पर आ गए हैं। कल्कि महोत्सव के समापन कार्यक्रम में मंत्रोच्चार की जगह फिल्मी गाना गा रहे आचार्य प्रमोद कृष्णम के सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को लेकर धार्मिक कार्यक्रम कल्कि महोत्सव में फिल्मी गाने गाए जाने पर संत समाज से जुड़े लोगों और हिंदू जागरण मंच ने आचार्य प्रमोद कृष्णम पर हिंदू धर्म के खिलाफ साजिश करने का आरोप लगाया है। दरअसल संभल जनपद में एंचोड़ा कम्बोह में कल्कि आश्रम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्ण हर साल मनाए जाने वाले कल्कि महोत्सव में अश्लील फिल्मी गानों और मंच पर फिल्मी गानों पर ठुमके लगाने को लेकर विवादों में रहे हैं। इस साल भी पिछले 5 दिन से एंचोड़ा कम्बोह में कल्कि महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसका कल शुक्रवार को समापन किया गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि धार्मिक कार्यक्रम कल्कि महोत्सव का समापन मंत्रोच्चार से नहीं बल्कि फिल्मी गाने गाने के शौकीन आचार्य प्रमोद कृष्णम ने फिल्मी गाने कभी अलविदा ना कहना, चलते चलते मेरे यह गीत याद रखना, खुद झूमते हुए गाते हुए किया। यही नहीं बल्कि कल्कि महोत्सव के प्रवक्ता ईशु प्रखर द्वारा कल्कि महोत्सव में के फिल्मी समापन की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल की गई। सोशल मीडिया पर धार्मिक कार्यक्रम के फिल्मी समापन की वीडियो वायरल होने के बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम हिंदू जागरण मंच और संत समाज से जुड़े लोगों के निशाने पर आ गए हैं। हिंदू जागरण मंच के प्रदेश मंत्री कौशल किशोर और जाने माने आचार्य मनोरंजन तिवारी ने धार्मिक कार्यक्रम के फिल्मी गाने से समापन को हिंदू धर्म को नष्ट करने की साजिश का आरोप आचार्य प्रमोद कृष्णम पर लगाया है। जबकि आचार्य प्रमोद कृष्णम हमेशा की तरह धार्मिक कार्यक्रम में फिल्मी गाना गाए जाने के मामले में सफाई पेश करते हुए इसे भी प्रेम और भक्ति का ही रूप बताया है। ये कल्कि महोत्सव में जो फिल्मी गाने बज रहे हैं, इसमें आपका क्या कहना है जी? कल्कि महोत्सव जो आचार्य तथागत आचार्य प्रमोद कृष्णम के द्वारा जो कल्कि महोत्सव का जो ढोंग स्वांग रचा जाता है, एक धार्मिक मंच है। कल्कि महोत्सव जो धार्मिक मंच है और इस तरह के फिल्मी गाने बजना बिल्कुल भारतीय संस्कृति पे और हमारे हिंदू धर्म की संस्कृति पे भी एक कुठाराघात है। पूर्व में भी क्योंकि जब कल्कि महोत्सव होते थे, इतने अश्लील भोंडे जो नृत्य हुए थे, हिंदू जागरण मंच ने के द्वारा इस बात को उठाया गया था और उस समय रोक भी लगी थी। और ऐसे ही ये जो तथाकथित आचार्य प्रमोद कृष्णम जी जो बने बैठे हैं मठाधीश, इन्होंने साधु जो साधु संतों का जो समाज है, इन्होंने इसी के कारण इन्हें बहिष्कृत कर रखा है। क्योंकि ये मुस्लिम मंचों पे जा जाके कलमे पढ़ते हैं, अपने हिंदू धर्म संस्कृति का तो बखान नहीं करते, लेकिन मुसलमानों की धर्म संस्कृति इस्लाम को बढ़ाने के लिए ऐसा प्रचार करते हैं। ये जो आज जो कल्कि महोत्सव में जो फिल्मी गाने बजाए जाते हैं, ये बिल्कुल विरोध जनता यहाँ की विरोध करती है, हिंदू समाज भी इसका विरोध करता है, हिंदू जागरण मंच भी विरोध करता है। ऐसे कृत्य को हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और पता नहीं प्रशासन ने इन्हें कैसे कोरोना में ये अनुमति दे दी, ये अनुमति भी नहीं देनी चाहिए। इस प्रकार का कोई भी पालन नहीं हो रहा है वहाँ पे। और फिल्मी धार्मिक मंच पर फिल्मी गाने बजने, फिल्मी धुन पर नृत्य होने, ये वास्तव में ये लज्जाजनक पूर्व बात है। और ऐसे साधु संतों का सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए और ऐसे प्रोग्रामों को भी बहिष्कार करना चाहिए। ये जो कल्कि महोत्सव जो मनाते हैं हर साल, ये केवल केवल और केवल जो इतनी बड़ी जमीन कल्कि महोत्सव के नाम पर इन्होंने घेर रखी है, उस पर कब्जा करने की इनकी नीयत है आचार्य प्रमोद कृष्णम की। क्योंकि पूर्व में ये प्रमोद त्यागी थे, इनका नाम प्रमोद त्यागी था, भू माफिया में शामिल थे। अगर इनका पृष्ठभूमि देखी जाए और ये कल्कि महोत्सव के नाम से ये प्रशासन को शासन को धोखे में रखकर ये उस बहुत बड़ी बेशकीमती जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। हम हिंदू जागरण मंच मांग करता है कि ऐसे महोत्सवों पर, ऐसे तथाकथित कार्यक्रमों पर तुरंत रोक लगाई जाए। हम आचार्य प्रमोद कृष्णम के इस कृत्य का जो धार्मिक मंच पर फिल्मी गाने बजाते हैं और हिंदू धर्म की रीति नीति का प्रचार नहीं करते हैं, तो हम ऐसे इस चीज़ का विरोध करते हैं। नजर आ रहे हैं क्या कि किसी धार्मिक कार्यक्रम में इस तरह के गीत गाने की आलोचना हो रही है, कहां तक उचित है? ये बहुत ही शर्मनाक, हमारे धर्म के प्रति, हमारे सनातन धर्म के प्रति ये साजिश चल रही है, ये बदनाम करने के लिए, और हमारे धर्म को मिटाया जा रहा है इस प्रकार के फिल्मी गीतों के धुनों पे भजन गा गा करके। और ये हमारे देश को गर्त में पहुँचाना चाहते हैं। ये साधु संत नहीं है, साधु संत के नाम पर ये देश को बदनाम करने वाले हैं, धर्म को बदनाम कर रहे हैं। ये इससे हमें बचना चाहिए। इनके पहले वीडियो आते रहे हैं, ये मंच पर ठुमके लगाते हैं,
तो संत एक तरह की ये संस्कृति है हमारी, उसको लेकर के क्या मतलब ये खराब नहीं कर रहे हैं कुछ? ये संतों की छवि को धूमिल कर रहे हैं, इस प्रकार से इन्हें नहीं करना चाहिए। तो जैसे कि आप भी संत समाज से जुड़े हुए हैं, तो इनको इस तरीके से क्या बहिष्कृत नहीं करना चाहिए इसके लिए? ऐसे तो हमारे धर्म संप्रदायचार्यों ने तो इन्हें बिल्कुल धर्म से उससे अलग कर रखा है, लेकिन ये अपनी अलग गाते पंथ अपना बना रखा है। कल्कि महोत्सव के नाम पे लोगों को बुलाते हैं, और वैसे धार्मिक संतों को ये नहीं बुलाते हैं, और ये फिल्मी दुनिया के लोगों को बुला करके और इस प्रकार के फूहड़पना दिखाते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक है। इससे हमें सावधान होना चाहिए।